बहुत से भाई लोग मेरे ये कहते रहते हैं कि सर आप टावर लगवा दीजिए, आप टावर लगवा दीजिए। देखिए 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं काम करते हुए साइट पर। एक हमारी जो लेटर थी ना वो गलत डायरेक्शन में लग... तो गाइस आज हम नई साइट जाने के लिए तैयार हो गए हैं। जो हमारा वर्क स्टार्ट है वो RITL का हमारा वर्क स्टार्ट होने वाला है, तो मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगा शुरू से लेकर एंड तक। आप इस वीडियो में बने रहिएगा, ज़रूर देखिएगा हम कैसे काम करते हैं, कैसे जाते हैं, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो गाइज़ हम लोग निकल गए थे अगली साइट के लिए अपनी, और हमारी जो साइट है यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर रह गई है। तो सुबह मैं एक टाइम में ब्लॉग नहीं बना पाया था क्योंकि थोड़ा टाइम की वजह से मैं भूल गया था, तो सुबह का निकल गया है। तो हम निकल गए हैं साइट के लिए, अब साइट पर पहुँच के हम डायरेक्ट आपसे बात करते हैं। ठीक है गाइज़, पानी की बोतल तो क्या पीने वाली चीज़ नहीं है, पानी की बोतल। साइट पर तो हम आ गए थे लेकिन यहाँ से जाने का जो रास्ता है वो अभी बंद है, और हमारे टेक्नीशियन जो है वो अभी तक नहीं आए हैं। आज उन्होंने हमारा बहुत टाइम बर्बाद करवाया है। सामने ही साइट है और ये मार्केट है 29D चंडीगढ़ की, जैसे कि आप देख रहे हैं। हर मार्केट के आगे एक पार्किंग स्लॉट बना हुआ होता है चंडीगढ़ में, तो आप अपने आराम से गाड़ी को पार्क कर सकते हैं यहाँ पर। सारा टूल है और हमारी टीम रेडी हो गई है। आफ्टर PTW हम इस लोग इस टावर को टाइट करेंगे, और इसमें जो भी मिसिंग पार्ट होंगे या फिर जो भी रस्टेड पार्ट होंगे, बोल्ट होंगे, उसको चेंज करेंगे। जो मिसिंग होगा उसको हम लिखते हैं, उसके बाद में करेक्टिव होती है। तो ये हमारी टीम जो है वो बहुत टॉप के रिगर हैं, ये काम पे लग गए हैं अपना। और बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। काम करते हुए आधा घंटे से ज़्यादा हमें लगभग 1 घंटा हो गया है हमारी टीम को टाइटिंग करते हुए टावर पे। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरा चंडीगढ़, खूबसूरत चंडीगढ़ है हमारे पीछे। 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं काम करते हुए साइट पर। एक हमारी जो लैडर थी ना वो गलत डायरेक्शन में लगी हुई थी, तो हमारी टीम इस टाइम उसी लैडर को उतार कर सही कर रही है। और जब तक मैंने सारी जो डिटेल होती है इंफ्रा की वो सारी मैंने ले ली है, जैसे कि DG की डिटेल होती है, ODC जो आप सामने देख रहे हो वो ODC होता है, वो सामने जो आप देख रहे हो वो शेल्टर होता है, उसके अंदर बैटरीज होती हैं, सारा ट्रांसमिशन जो भी नेटवर्किंग का होता है वो वहीं से ही होता है। तो ये पुराने जितने भी टावर होते थे उसमें ये एक शेल्टर रूम बनता था। अब जो है टावरों में ये शेल्टर रूम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ये पुराने टावर जो हैं आप 10-15 साल पुराने देखेंगे, उसमें ये एक सफ़ेद सा बॉक्स डिब्बा बनता था जिसके अंदर सारी बैटरी बैंक वगैरह रखे जाते थे। तो ये टोटल एरिया देखिए आप पहले कितना कवर करते थे। यहाँ से अगर टावर स्टार्ट हुआ है तो पूरा DG हो गया, उसका टावर की फाउंडेशंस हो गई, उसके बाद में ये थोड़ा सा MPT है, उसके बाद पीछे जाकर शेल्टर बनाया। यहाँ से केबल ट्रे के थ्रू सारे तार यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर ये काम। तो साइट होने के बाद में हमें लगी थी बहुत तेज़ों की भूख और आसपास कुछ नहीं था, तो हमें मिला है ये चंडीगढ़ स्पेशल ढाबा जहाँ पर थाली का हिसाब है। यहीं बस हम बैठे हैं बाहर की तरफ, अब लेंगे हम भोजन का आनंद। तो बाबू भाई कैसी भूख ज़्यादा लग रही है, आधा किलो मंगवा लो क्या? कैसे मुस्करा रहे बाबू भाई, कुछ बोलो। अरे भूख लग रही है कि नहीं लग रही है? लग रही है भाई, लग रही है। के लिए तो बैठे हैं। अरे भाई चलो बोले भाई। तो ये आ गया था हमारा गर्मा गर्म खाना, तो बाबू भाई बिना जल्दी से टूट गए खाने पर, बस भूख के मारे बर्दाश्त नहीं हो रही है। बहुत से भाई लोग मेरे ये कहते रहते हैं कि सर आप टावर लगवा दीजिए, आप टावर लगवा दीजिए। देखिए मैं टावर नहीं, मैं जो हूँ टावर के डिपार्टमेंट में, BD डिपार्टमेंट में नहीं हूँ, मैं टावर नहीं लगा सकता। एक्चुअल में मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर डिज़ाइनर हूँ, स्ट्रक्चर से रिलेटेड मेरे से इसकी मेंटेनेंस होती है, इनकी डिज़ाइनिंग होती है, इनकी करेक्टिव होती है, ये चीज़ मैं करता हूँ एज आ, और इसमें कोई कमी होती है वो चेक मैं करता हूँ। तो मैं उस डिपार्टमेंट में नहीं हूँ, बस मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ कि हाँ आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं बस, ठीक है। तो इस तरीके के व्लॉग जो हैं वो मेरे चैनल पर आएंगे, जो इन्फॉर्मेटिव भी होंगे, कहाँ कहाँ मैं न्यू न्यू जगह पे ट्रैवल करता हूँ उसके बारे में होंगे। और कोई इंसान अगर ये जॉब करना चाहता है तो इस जॉब में क्या डिफ़िकल्टी है, क्या डिफ़िकल्टी नहीं है, इसके बारे में इस वीडियो में या इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ।